आज हम बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसे बड़े की पाए। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खाना खजाना विद सारा। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बना रहे हैं बड़े के पाए, वो भी मम्मा बना रही हैं। तो हमने क्या किया था उसके लिए, ये मम्मा चढ़ा चुकी थी पहले से, तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने रात से इसको चढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये हमने चाय बड़े के पाए लिए थे, इसके अंदर हमने 12 गिलास से 15 गिलास आपने पानी शामिल किया है। लहसुन की पूरी एक पोटली आपने शामिल कर दी, अदरक का पूरा एक 2 इंच का टुकड़ा है वो हमने इसमें शामिल किया, दरदरा सा आप कूट लीजिए, वो साबुत गर्म मसाला जो मिक्स आता है वो है, सफ़ेद जीरा है, तेज़पात का एक पत्ता इसमें शामिल किया गया था और प्याज का पूरा एक पीस वो उसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, अब इसको हमने रात भर इसको चढ़ा दिया और हमने इतना कुक करना है कि ये पाए जो है ना वो क्या हो जाए, बिल्कुल ये गल जाए। देखें, हम आपको दिखा भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी डन नहीं हुए हैं, ये भी पकते रहेंगे पूरी रात बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और इसको पकने में कम अज़ कम चाहिए हमें 7 से 8 घंटे इसको चाहिए होते बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, तो पाए बिल्कुल हमारे डन हो चुके थे। यहाँ क्या किया, मम्मा ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 कप ऑयल डालकर, और यहाँ इसमें हम शामिल कर रहे हैं पाया मसाला जो है ना वो हमने पूरा इसमें, एक पैकेट था शान का वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से अब ज़रा भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि आपको पता है कि पानी इसमें थोड़ा सा इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि ताकि मसाला जो है ना वो नीचे लगे ना। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया, जैसे इसमें शान का मसाला पाया इसमें शामिल हुआ है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको हमने भूनना है इतना कि ऑयल ज़रा इसका ऊपर आ जाए। सही है, आप इसके अंदर घर के मसाले भी बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं। और आज जो ना हमारे घर पे दावत भी, हमारे ताया अबू वाले सब लोग आए हुए थे, तो क्यों नहीं सोचा हमने कि पाए बनाए जाएँ, और उससे ज़्यादा अच्छी डिश तो कोई हो ही नहीं सकती है। और अब हमने, मम्मा ने इसमें शामिल किया है पूरा ये 1 पाव जो है ना, ये इसमें दही जो है ना ये इसमें शामिल कर दिया है, और दही डाल के फ़ौरन से इसको जल्दी जल्दी आप मिक्स कर लें, क्योंकि क्या हो जाता है भी ये कड़ल हो जाता है तो ये दानेदार हो जाता है, तो इस वजह से। अब देखिए बिल्कुल ये भुन चुका था और आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल जो पाए थे हमारे जो 8-10 घंटे के बाद जो बिल्कुल गल चुके थे, उसकी यखनी तैयार हो गई थी, उसको अलग कर दी हमने यखनी, और पाए हमने क्या किया उसको अलग करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और बस इसको अच्छी तरह से मम्मा क्या करेंगे, हम इसको भूनेंगी और फिर इसमें शामिल करते, जो भी ये यखनी थी वो सारी की सारी इसमें यखनी क्या कर दिया है वो ऐड कर दी है। ठीक है, अब यखनी डालकर इसको हम मज़ीद 1 घंटा तक हम इसको और हम पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए वो और पाए के अंदर अच्छी तरह से इसका जायका क्या आ जाए, बिल्कुल ऐसा आ जाए कि ये आप यकीन करो इतने मज़े के ये पाए होते हैं कि कोई बिलीव नहीं कर पाएगा, ये अपने घर में पाए बनाए ऐसे लगेगा बिल्कुल बाजार जैसे पाए हैं ये। और यहाँ 1 घंटा हो चुका था और ये पाए आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे पाए ये तैयार हो चुके हैं। इस पर अब हमने डाल दिया है हरा धनिया है, अदरक है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, वो है पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डाल के हमने बिल्कुल इसको दम पे रख देंगे हमसे 5 मिनट के लिए, और ये मज़ेदार से हमारे क्या हो गए, ये पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है इसकी ज़बरदस्ती, और ये उतने ही ज़्यादा ही लेस वाले ये पाए होते हैं, और पायों की पहचान ही कहाँ से होती जब तक इसके अंदर एक लेस ना आ जाए, और बिल्कुल ये वैसे ही है। तो इस रेसिपी को मेरी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी मम्मा की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आप इसको एंजॉय करें नान के साथ, कुलचों के साथ, चावल के साथ, जैसा दिल चाहे आप इसको एंजॉय करें। ठीक है, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।